सवा दो महीने के लंबे इंतजार के बाद आज हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आज लोकतंत्र के गौरव का दिन है। मतदान को लेकर युवाओं महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग मतदान के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग गए थे। प्रदेश में 57 लाख मतदाता आज 2024 के इस दंगल में अपने सभी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। हिमाचल की लोकसभा की सभी 4 सीटों मंडी कांगड़ा चंबा शिमला और हमीरपुर में चुनाव, विधानसभा के धर्मशाला लाहौल स्पीति कुटलैहड़ गगरेट बड़सर और सुजानपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड 72.42% मतदान हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में रिकॉर्ड मतदान 75.78% हुआ। निर्वाचन विभाग ने इस लोकसभा चुनाव में 76% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य हासिल होता है तो यह देश में सर्वाधिक होगा। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में 7,992 पोलिंग बूथ स्थापित किए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शिमला जिला में मतदान जारी है। पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग में 289 मॉडल पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं। 195 बूथ महिलाएं संचालित करेंगी, 54 बूथ युवा संचालित करेंगे। दुर्गम स्थलों पर स्थापित 54 बूथों पर चुनाव प्रक्रिया युवा और दिव्यांग 28 पोलिंग बूथों पर संचालित करेंगे। चंबा जिले के सेईकोठी पोलिंग बूथ में मॉक पोल के दौरान ईवीएम मशीन खराब निकली, इसके बाद तुरंत पोलिंग पार्टी ने ईवीएम मशीन को बदला। वही चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम पोलिंग बूथ 101-102 में सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कसौली के जाबली मतदान केंद्र पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। कितने देर से खड़े हैं लाइन पे? 6:35 से खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं अंदर? मशीन खराब। अच्छा, मशीन खराब हो गई है बोलते। अच्छा ठीक है। कब से खड़े हैं जी? हम 6:30 बजे से खड़े हैं। तो क्या बोल रहे हैं अंदर? अंदर मशीन खराब है। हाँ। और इसमें स्टाफ की नाकामी है। हाँ। जो देखी गई नहीं मशीन। हाँ। और 6:30 बजे लोग, कोई ड्यूटी वाले हैं, कोई दूर जाने वाले हैं, कोई कहीं के, तो इसलिए 6:30 बजे से खड़े हैं। और अभी तक जो है 7:45 हो गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पब्लिक के साथ इन लोगों का अंदर बैठे हुए हैं और हमें बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये टॉलरेबल नहीं है। 1.5 घंटे से खड़े हैं, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ। अच्छा। एक से ज्यादा हो गया मेरे को ना, ये अंदर से बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए, मैं तो सबसे, मेरा निवेदन रहा है, जब हम डोर टू डोर हमने जब प्रचार किया कि सब लोग इस महापर्व में अपना वोट डालने जरूर आए। एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका निश्चित तौर पर हर आदमी को वोट कास्ट करना चाहिए और आना चाहिए वोट डालने, एक जिससे हमारा लोकतंत्र भी बचे और अपना, अपनी पसंद का जो सांसद है वो अपने चुन सकें। तो इसी संदर्भ में मैंने भी अपना वोट कास्ट किया और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं और अपना, लोगों का रुझान से लगता है कि एक परिवर्तन की तरफ देश की सर, हम देश में मतदान जा रहा है, जो मैंने महसूस किया इस चीज़ को। और हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें 6 की 6 सीटें, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है उन कैंडिडेट्स के, बागी और जो बिकाऊ कैंडिडेट्स थे उसके लेकर के बहुत गुस्सा है, क्योंकि हिमाचल की जो संस्कृति और देव संस्कृति है, इस तरह का जो यहाँ पर खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं और लोगों ने अपनी अस्मिता से इसको जोड़ा है। हिमाचलियत जो है वो एक ईमानदारी की एक मिसाल है। पहाड़ी राज्य है, यहाँ देवी देवताओं का वास है और हम इस तरह का काम यहाँ लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सारा चीज़, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, शहरों में कंपेरेटिवली उतना मतदान नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी जो सुबह का हमने देखा है, मैंने काफ़ी संख्या में लोग सुबह आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि दिन को टेम्परेचर तो, क्योंकि पिछला जो सप्ताह था वो काफ़ी गर्म रहा, लेकिन आज मौसम बहुत सुहावना है, ठंडा है, लेकिन लोग मैं देख रहा हूँ सुबह ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि कल जो है वो छुट्टी होती है तो कुछ गाँव की तरफ भी निकलते हैं अपना वोट डाल करके। सब लोग अपने सुबह जल्दी फ्री होना चाहते हैं। ओके, मेरा नाम ज्येष्ठा मोक्ता है, मैं 19 साल की हूँ, मैं जुब्बल पोटा से हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मतलब कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, पहली बार इसे बुक्स में पढ़ा था वैसे ही। मैं देव कुमारी जोशी देवनगर से अपना वोट कास्ट करने आई और आई हैव कास्ट माई वोट।
मेरा नाम कार्तिकेय शर्मा है और मैं अपना वोट फर्स्ट टाइम देने आया हूँ और मेरा नए वोटर से भी ये निवेदन रहेगा कि वो अपना कीमती वोट देने ज़रूर आए। मैंने अपना वोट दे दिया है, रेवती मेरा नाम है और आपने भी वोट डाल दिया। मैं जयानंद शर्मा आयु 81 वर्ष अपना वोट डालकर आया हूँ। मेरा सभी से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो सब यहाँ पर आए और अपना वोट देखें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम स्वयं, मैं सुन्नी तहजीब का रहने वाला हूँ। मैंने आज पहली बार मतदान किया है और मेरा सभी से अनुरोध है कि वो मतदान अवश्य करें। मेरा नाम ममता शर्मा है, मैंने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपना पहला वोट कास्ट किया है, तो आप सभी से मेरी अपील है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट जरूर करें।